मैं गरीब क्यों हूं, मैं बेरोजगार क्यों हूं, मैं बेकार क्यों हूं, मेरे पास कोई काम नहीं है, धंधा नहीं है, मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीबी हूं। मैंने ऐसे कई घर परिवार देखे हैं, ऐसे कई लोग देखते हैं जो इन सारे बात को कहते हैं कि मैं गरीब हूं, मैं बेरोजगार हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं उसके जैसा अमीर नहीं हूं। क्यों ये गरीबी, ये बेरोजगारी, इन सारे सवाल का क्या कारण है? ये गरीबी सबसे बड़ा जो बीमारी है, इसका क्या कारण है? ये बेरोजगारी जो सबसे बड़ा एक ऐसा महामारी है, इसका क्या कारण है? आप कोरोना महामारी तो देख रहे हैं, मगर उससे भी बड़ा महामारी है बेरोजगारी, जो कई घर को भूखे मरने पे मजबूर कर देता है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करूंगा गरीबी क्या होती है, बेरोजगारी क्या होती है, और इन सब से कैसे लड़ा जाए। गरीबी एक्चुअल में क्या सच में आप गरीब हैं? क्या सच में आप बेरोजगार हैं? क्या सच में आप बेकार है? और अगर है गरीब तो कैसे आप गरीबी दूर कर सकते हैं, कैसे आप अमीर बन सकते हैं? वास्तव में क्या आप गरीब हैं? तो नमस्कार जोहार, मैं मिथिल सर वेलकम करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज मैं बात करूंगा गरीबी पे, आज मैं बात करूंगा बेरोजगारी पे कि अगर आप गरीब है, अगर आप बेरोजगार है तो आपको रोजगार कैसे मिलेगा, आपकी गरीबी कैसे दूर होगी, आप अमीर कैसे बनोगे। सच में अमीरी अगर चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक आप बने रहो। आज मैं आपको अमीरी का वो राज बताऊंगा जो आपको अमीरी की ओर ले जाएगा, आपको अमीर बना के रखेगा। अमीर लोगों की सोच क्या होती है और गरीब लोगों की सोच क्या होती है? गरीब का मतलब होता है छोटा, गरीब का मतलब होता है नीचा। जो गरीब सोच रखता है, छोटा सोच रखने वाला लोग ही गरीब होता है। और गरीबी का वजह क्या है, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। सबसे पहले कहानी क्या है, एक छोटे से बच्चे की है। एक 10 साल का बच्चा रहता है, पिताजी उसको बुलाते हैं। ये कहानी मैंने भी कहीं से सुना था, ध्यान से समझिएगा आप। तो एक 10 साल का बच्चा होता है, उसके पिताजी उसको बुलाते हैं, 10 साल का छोटा बच्चा। पिताजी उसको बुलाते हैं और बोलते हैं कि बेटा ये टी शर्ट है, इस टी शर्ट को तुम देखो, ये जो टी शर्ट है, मान लीजिए ये मेरा टी शर्ट है, इस पुराना टी शर्ट है, इसको तुमको 20 रुपए में बेच के आना है बाजार से, कहीं से भी 20 रुपए में बेच के आओ। पिताजी बोल दिए, बेटा लेके चला गया उसको बाजार में, जैसे तैसे करके उसको साफ सफाई किया और बाजार में ले जा करके जैसे तैसे करके टाइम लगा उसको, बेच के आ गया 20 रुपए में। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, समझिए दोस्तों। दोबारा कुछ दिनों बाद फिर उसके पिताजी बुलाए, फिर दूसरा टी शर्ट दिखाया, बोले इस बार तुमको इस टी शर्ट को 200 रुपए में बेचना है। पहली बार 20 रुपए में बेचा था, अब 200 रुपए में बेचना है, 200 रुपए में। कैसे हो पाएगा? वो ना नहीं बोला बच्चा, देखिए ना नहीं बोला कि नहीं होगा पिताजी, 20 रुपए में बेचा था, अब 200 में कैसे होगा। वो बोला कैसे होगा, बच्चा बोला कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे बिकेगा, मैं 200 रुपए में कैसे बेचूंगा। छोटा सा बच्चा दिमाग कितना लगा रहा कि 200 रुपए में कैसे बेचूंगा। जी हाँ सोचिए। तो उसने क्या किया कि उस टी शर्ट को सफाई कर ली और फ्रंट में उसके जो कार्टून होते हैं ना, डोरेमोन होता है, मिकी माउस होता है, उसका फोटो स्टिकर चिपका दिया, स्टिकर आता है 10-20 रुपए का, चिपका दिया फोटो में, और उसको लेके चला गया एक ऐसे स्कूल में जहां बड़े लोगों के घर के बच्चे पढ़ते हैं, जैसे डिनोबली, कार्मेल, आपने नाम सुना है। तो वहां पे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, हर तरह के बच्चे आते हैं। अब बच्चों को पता है कि कार्टून बहुत पसंद होता है, उसने खड़ा हो गया, 200 रुपए का टी शर्ट, 200 रुपए का टी शर्ट, जब बच्चे का छुट्टी हो रहा है, आ रहा तो ऐसे हल्ला कर रहा। एक बच्चे की ध्यान गया उस टी शर्ट की ओर, बोला मुझे ये टी शर्ट लेना है पिताजी। उसका पिताजी के साथ वो आया था, तो वो अमीर का बच्चा, चलो मन पड़ गया, बच्चे की लालच है, बच्चे को मन लग गया, वो ले दिया उसको टी शर्ट। तो 200 रुपए में वो टी शर्ट बेच दिया, पिताजी को लाके पैसा दे दिया, लीजिए पिताजी। कुछ दिन बाद फिर पिताजी ने उसको बुलाया, दोबारा वैसा ही टी शर्ट दिया, और इस बार बोला इसको 2000 में बेच के आना है। 2000 में बेच के आना है, 20 रुपए का टी शर्ट 200 में बेचा, अब उसको 2000 में बेचना है, ये कैसे होगा? ये सवाल आपके भी मन में उठ रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है। जी हां हो सकता है। वो बच्चा फिर ना नहीं बोला, बोला कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। कहीं से उसने सुना कि शहर में एक हीरोइन आई हुई है, हीरोइन आपको पता है, कई गाने आपने सुने हीरोइन के, हीरो के, तो हीरोइन आया जिसका शो है, शो होता है ना डांस शो, तो वो कैसे करके वो शो में चला गया उस टी शर्ट को लेकर के, और हीरोइन के पास जाकर के उसके हाथ पकड़ ली और बोला दीदी मुझे बस कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप अपना ऑटोग्राफ दे दो।
कहाँ दे दूँ बाबू? तो वो टी शर्ट पकड़ा दिया, लो मेरे टी शर्ट में दे दो। तो उसने टी शर्ट में ऑटोग्राफ दे दी हीरोइन ने। अब वो लड़का दोबारा से बाजार में गया, बोला इस हीरोइन का सिग्नेचर ऑटोग्राफ वाला टी शर्ट ले लो, हीरोइन का ऑटोग्राफ वाला टी शर्ट ले लो। ऐसा हल्ला किया, कितने में? 2000 में ले लो। बहुत आदमी चले गए, बहुत आदमी आए, 2000 में ले लो हीरोइन का ऑटोग्राफ का टी शर्ट। आप समझते हो? कोई बोला हाँ मैं लूंगा, मैं 2000 दूंगा। बगल से आवाज आई मैं 3000 दूंगा। उसके बगल से आवाज आई मैं 4000 दूंगा। बगल से आवाज आई मैं 5000 दूंगा। फाइनली वो बच्चा वो 20 रुपए का टी शर्ट 5000 रुपए में बेच के आ गया। इस कहानी से आपको क्या सीख मिला दोस्तों? अगर आप वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो 5000 में बेच के आ गया कि उस बच्चे ने ना नहीं बोली कि नहीं होगा, उसने बोला कैसे होगा, उसने बोला कैसे होगा। तो जिस दिन आपके अंदर ये जुनून आ गया कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, आप भी वैसा कुछ कर सकते हैं जो नामुमकिन होगा। जो दूसरे के लिए सबके लिए नामुमकिन होगा वो आपके लिए मुमकिन होगा, क्योंकि आपका सोच है कि कैसे होगा। जब ये सवाल आप करते हैं ना कैसे होगा, आपके पास हजारों रास्ते मिलना स्टार्ट हो जाता है। आपको कुछ भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, गरीबी है, बेरोजगारी, आप सोचिए कैसे बेरोजगारी दूर होगी, कैसे गरीबी दूर होगी, आपको उसका जवाब मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सवाल करना स्टार्ट करिए, सही सवाल सही समय पे, आपको जवाब मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये गरीबी का मुख्य वजह है शिक्षा। इस गरीबी का मुख्य वजह है शिक्षा, हमारा एजुकेशन सिस्टम। ये बेरोजगारी का मुख्य वजह है शिक्षा। जी हाँ, हम शिक्षित बेरोजगार है आज के दिन में, शिक्षित गरीब है। लोग कहते हैं ना कि जो पढ़े लिखे कम होते हैं वो बेरोजगार होते हैं। नहीं, जो पढ़े लिखे होते हैं वही बेरोजगार होते हैं। जी हाँ, जैसे मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन करा, आपने डिग्री करा, आपने डिप्लोमा करा, आपने इंजीनियरिंग करा, इंजीनियरिंग कर लिया आपको, अब आपको जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए। नौकरी मिल रही है आपको 20,000 रुपए का, आपने खर्चा किया है 2,00,000 रुपए। आप बोलेंगे सर 2,00,000 रुपए मैंने खर्च किया 20,000 का नौकरी के लिए, नहीं करूंगा। घर वाले भी बोलेंगे है क्या ये 20,000 का नौकरी करेगा, चल काम कर मेरे साथ। इस तरह से आप बेरोजगार रह गए, आपने 20,000 का नौकरी नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको पता था ना मैंने 2,00,000 का पढ़ाई किया है, क्यों करूंगा 20,000 का नौकरी। यही वजह है बेरोजगारी का, कि हर एक शिक्षित बेरोजगार है। कैसी गरीबी दूर हो सकता है? आप आगे बढ़िए, जो आपको पसंद है वही करिए, स्टार्ट करिए और सोचिए कैसे होगा, कैसे होगा। ये सोच आपको आपका बदल देगा। जी हाँ, एक गरीब लोग का सोच ही गरीब होता है। वो ऐसा सोच लेता है कि मैं गरीब हूं। इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है कि आप जैसा सोचते हो आप धीरे धीरे वैसा बन जाते हो। अगर आप सोचते हो कि मैं गरीब हूं, मैं बेरोजगार हूं, तो आप गरीब बन जाओगे, आप बेरोजगार हो जाओगे। आप ऐसा सोचते हो कि मैं अमीर हूं, अमीर के जैसा सोचना सीखोगे तो आपको अमीर बनने का 100 रास्ता दिख जाएगा। आप सोचना स्टार्ट करो। ये सब सोच का खेल है, ये सब ब्रेन का खेल है। अपने इस दिमाग के शक्ति को कम मत समझो, इसमें बहुत शक्तियां होती है, इसका उपयोग करो दोस्तों, आप अमीर बन जाओगे। जी हां, जिस दिन से आपने उपयोग करना सीख गया अपने दिमाग को, आप अमीर बन जाओगे। ये सोच लाओ कि मैं अमीर हूं, अमीरों के जैसा कपड़े पहनो, अमीरों को जैसा व्यवहार करो। अमीरी में सोच होना चाहिए, छोटा सोच नहीं होना चाहिए। किसी को देख के जलना नहीं है, किसी को देख के कॉपी नहीं करना, सीखना है, दूसरे से सीखना है, सबसे सीखना है, यही हमारा मकसद होता है। तो आज के वीडियो से अगर आपको कुछ सीख मिली हो, मोटिवेशन मिली हो, जो कि संताली मोटिवेशनल वीडियो सिर्फ हमारे संताली भाई बंधुओं, संताली परिवार और आदिवासी के लिए ये वीडियो मैंने बनाया था, तो अगर आपको इससे कुछ सीख मिलती, आप अपने जीवन में कुछ भी बदल पाते, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा कीर्तिमान होगा दोस्तों। तो अपनी सोच बदलिए, आप बदल जाएंगे, आपकी गरीबी बदल जाएगी, आप अमीरी में और आ जाएंगे। तो सनम को मेरा जोहार और धन्यवाद। जय झारखंड, जय हो।